देखिए, अगर सीएम साहब प्रवासियों के साथ किए गए वायदे पूरे करने हैं तो सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर उनको प्रवासियों की चिंता होती तो मैंने कहा ना कि सरला रावत को खोजने की चिंता भी दिखाई देती, कहीं बयान भी दिखाई देती, उनके कर्म में दिखाई देती, क्योंकि नहीं दिखाई दी। ये अच्छी बात है, हमें खुशी है कि सरला रावत की कल रात मिल गई है, वो अपने घर पहुँच गई है। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो पुलिस ने अपना काम किया, न उनकी दिल्ली की सरकार का योगदान है, न उनकी उत्तराखंड की सरकार का योगदान है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि वो प्रवासियों की चिंता के नाम पर केवल बयानबाजी करते हैं। दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, पंजाब में माननीय भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जिस तरह से आम आदमी की बुनियादी समस्याओं को समझ करती है, उनका निदान करने का प्रयास कर रही है। जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर बेहतर तरीके से काम कर रही है। जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा और हिमाचल की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा रही है, उसी क्रम में उत्तराखंड में 2022 की विधानसभा चुनाव की हार के बाद हम सब लोग मिल करके यहाँ पर धरातल पर आम आदमी पार्टी मजबूती से अपने पैर पसार सके और हम 2027 में सत्ता में आए, इसके लिए हम जिम्मेदारी से काम करें। चुनाव में जब जाते हैं तो हार भी होती है, जीत भी होती है। हम 22 का चुनाव हारे हैं लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं। लेकिन जिन लोगों पर राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी थी, वो जरूर हौसला हार गए। और अब उस पर मुख्यमंत्री का बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता हूँ कि राज्य पर जो कर्ज का बोझ है उसको कम करने की चिंता करें, राज्य में जो यात्रा व्यवस्था की बदहाली है उसको ठीक करने की चिंता करें, राज्य में जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की चिंता करें और राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है उस पर रोक लगाने का काम करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी की चिंता करने की उनको